हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्मार्ट चुका टेक का एक नया वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो का हम लोग बात करेंगे BSNL के बारे में। दोस्तों BSNL की तरफ से हमारे पास अभी अपडेट निकल के अभी BSNL जो है फिर से उनका प्लान का प्रोजेक्ट जो यहाँ पर कर दिया है। जी दोस्तों, BSNL जो है फिर से उनका प्लान का प्रोजेक्ट जो यहाँ पर कर दिया, जो कि BSNL ग्राहकों के लिए काफ़ी खराब खबर है। दोस्तों अभी BSNL कौन सा प्लान के अंदर अभी प्लान का प्रोजेक्ट किया है, प्लान का प्रोजेक्ट करने के बाद अभी आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और प्लान का प्रोजेक्ट होने का पहले आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते थे, आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप एक BSNL के ग्राहक है, आज का वीडियो आपके लिए देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो फिर चलिए मैडम इसके आज के इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों अगर मैं आपको BSNL के बारे में बताता हूँ, दोस्तों आप लोगों को पता है कि BSNL भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उनके सस्ते रिचार्ज प्लान की वजह से। BSNL जैसा सस्ता प्लान आपको और ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के अंदर देखने को नहीं मिलते। जिस तरीके से BSNL आपको प्लान प्रोवाइड करते हैं, उस तरीके से और किसी भी टेलीकॉम कंपनी आपको इंडिया के अंदर प्लान प्रोवाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि BSNL का प्लान है ही ऐसा काफ़ी ज़बरदस्त होता है, वैल्यू फॉर मनी होता है और काफ़ी सारे इंडियन जो यहाँ पर एज ए सेकेंडरी सिम कार्ड BSNL का सिम कार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका रिचार्ज प्लान काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर प्लान BSNL का सिम कार्ड को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनका प्लान सस्ते होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल होते हैं और एफोर्डेबल प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छे बेनिफिट देते हैं। लेकिन दोस्तों आज हमारे पास BSNL तरफ से जो यहाँ पर अपडेट निकल के आए, काफ़ी ज़्यादा खराब अपडेट निकल के आए कि अभी BSNL जो है एक नया प्लान के अंदर अभी यहाँ पर उनके प्लान का प्रोजेक्ट जो यहाँ पर कर दिया है। दोस्तों इस वजह BSNL जो प्लान का प्रोजेक्ट किया है वो यहाँ पर 999 रिचार्ज प्लान के अंदर, यानी कि 999 रुपये जो रिचार्ज प्लान है वो प्लान के अंदर अभी यहाँ पर रिचार्ज का प्लान के प्राइस के ऊपर कर दिया है। दोस्तों BSNL इस प्लान के अंदर जो प्लान का प्रोजेक्ट जो किया है वो यहाँ पर इनडायरेक्टली प्लान का प्रोजेक्ट किया है, यानी कि जो बेनिफिट वगैरह वो आपको सेम मिलेगा लेकिन जो वैलिडिटी है उसको यहाँ पर कम करके वो यहाँ पर BSNL का प्लान का प्रोजेक्ट यहाँ पर किया है। मैं आपको बता देता हूँ अभी आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और पहले आपको क्या बेनिफिट मिलते थे। दोस्तों अगर आप अभी प्लान को रिचार्ज कराते हैं तो अभी आपको इस प्लान के अंदर मिलेंगे ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग करने का बेनिफिट पर डे। आप किसी भी नेटवर्क पर आप पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे और इस प्लान के अंदर आपको किसी भी तरीके का SMS और आपको डेटा का बेनिफिट नहीं मिलेंगे। प्लान का वैलिडिटी का बात करूँ तो प्लान के अंदर आपको अभी 200 दिनों का प्लान का वैलिडिटी आपको मिलेंगे। एक यहाँ पर ओनली कॉलिंग पर्पज़ वाले प्लान है। अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा यहाँ पर पर्सन है जो कि कीपैड फोन को यूज़ करते हैं, जो कि फीचर फोन को यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर सिम कार्ड को यूज़ करते हैं BSNL का, वो लोग यहाँ पर प्लान को रिचार्ज कराते थे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लान था। तो इस प्लान के अंदर यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग ओनली होता है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का SMS और डेटा का बेनिफिट अभी आपको नहीं मिलेंगे और वैलिडिटी आपको अभी यहाँ पर 200 दिनों का मिलेंगे। और अगर मैं पहले बेनिफिट की बात करूँ इस प्लान के अंदर, सेम प्लान के अंदर जब यहाँ पर प्लान का प्राइस नहीं हुआ था तब आपको इस प्लान के अंदर ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग करने का बेनिफिट मिल जाता था पर डे, और यहाँ पर आपको तब भी किसी भी तरीके का SMS और आपको डेटा का बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर वैलिडिटी आपको तब मिलते थे 240 दिनों का, यानी कि 240 डेज का। लेकिन अभी यहाँ पर 40 दिनों का वैलिडिटी यहाँ पर कम कर दिया है इस प्लान के अंदर। तो अगर आप अभी BSNL कैसे ग्राहक है, अभी आप ट्रूली अनलिमिटेड नंबर कॉलिंग करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ओनली कॉलिंग से मतलब है आपको डेटा और SMS का बेनिफिट नहीं लेना है, तो आप ये प्लान का भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये प्लान को यहाँ पर इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली यहाँ पर कॉलिंग का बेनिफिट मिलता है और अभी यहाँ पर अभी BSNL ने प्लान का फैसले करके वैलिडिटी को कम कर दिया, वो भी 40 दिनों का। पहले यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट मिलते थे, ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैलिडिटी मिलते थे 240 दिनों का, जो कि काफ़ी बढ़िया था। लेकिन अभी यहाँ पर वैलिडिटी 40 दिन कम कर दिया और अभी प्लान का प्राइस कर दिया, तो अभी प्लान को आप लोग इग्नोर कीजिए और आपके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लान अवेलेबल है जो कि यहाँ पर 997 रुपीज़ का, जिससे यहाँ पर अंदर आपको कॉलिंग SMS और आपको यहाँ पर डेटा का बेनिफिट तीनों बेनिफिट मिल जाएंगे और 2 रुपया सस्ता भी है। तो ये प्लान को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर मेरा आप रिकमेंडेशन माने तो। लेकिन आप जो 999 रिचार्ज प्लान है अभी ये प्लान को आप फिर आप इग्नोर कीजिए, जैसे यहाँ पर प्लान का बेनिफिट सब कुछ यहाँ पर पहले जैसा हो जाएगा या फिर नया कुछ BSNL यहाँ पर चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, तब आप ये प्लान को आप रिचार्ज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये प्लान को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वैलिडिटी कम कर दिया है। पहले से इस प्लान के अंदर आपको ओनली आपका कॉलिंग का बेनिफिट मिलते थे और अभी वैलिडिटी भी कम कर दिया है, और तो ये प्लान आपके लिए अभी यहाँ पास अच्छा नहीं है। तो अगर आप अभी रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप 997 वाले जो रिचार्ज प्लान है वो प्लान का फिर आप कंसिडर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेटा कॉलिंग SMS सब कुछ आपको बढ़िया मिल जाएंगे और 2 रुपया सस्ता भी है। तो इस तरीके से BSNL तरफ से हमारे पास BSNL का नया प्लान को लेकर, प्लान का प्रोजेक्ट को लेकर हमारे पास अपडेट आया था, मैंने आपको बता दिया। तो अभी आप अपने हिसाब से यहाँ पर रिचार्ज करके बेनिफिट आप ले सकते हैं। मेरा काम था बताना आपको, मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
चैनल पे पहली बार हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल में प्रेस करके रख दो, इस तरीके का टेलीकॉम का ऑफर अपडेट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बताओ। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।